नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित श्रीवास्तव अमित कॉमर्स पॉइंट से, और आज मैं आप लोगों के बीच में चैप्टर नंबर 13 ट्रायल बैलेंस लेके आया हूँ। पहले की वीडियो में आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स हो गई। उसके बाद आप लोगों ने कैश बुक के बारे में हमने बात करी, अकाउंट इक्वेशन के बारे में बात करी है, जनरल की वीडियो हमने बनाए हैं और जनरल के भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं। उसके बाद लेजर पोस्टिंग हमने सीखा, देन उसके बाद आज हमारा चैप्टर आ रहा है ट्रायल बैलेंस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग वीडियो नंबर फर्स्ट पहले बना रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आने वाली वीडियो। सबसे पहले आज हम डेफिनेशन सीखेंगे ट्रायल बैलेंस की, उसके बाद हम आगे इसके ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेट, मैथड और मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके काम करेंगे, सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट कम्प्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरा ध्यान से वीडियो को देखें, एक एक चीज को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के डेफिनेशन समझने से पहले एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ, उसको समझना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग किया था जनरल से। आप जनरल में जो भी एंट्री बनाते थे वो डबल एंट्री सिस्टम पर चलती थी, डेबिट और क्रेडिट, और उन एंट्रियों में हम पर्सनल एंट्रियाँ और इंपर्सनल एंट्री दोनों रिकॉर्ड करते थे, और एक एंट्री डेबिट में दूसरी एंट्री डबल क्रेडिट में लेते थे। तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा था। हमने जनरल के बेस पर लेजर पोस्टिंग बनाई और लेजर पोस्टिंग में भी हमने सेम ही फॉर्मूले लगाए, डेबिट और क्रेडिट। अब लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं आज, ट्रायल बैलेंस। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पर बनता है, लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग किसके बेसिस पर बन रही है, जनरल। यानी कि ट्रायल बैलेंस, पहली बात ध्यान से सुन लें कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड होंगी, ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम के ऊपर रिकॉर्ड होंगी। इसके लिए इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, तो चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट शब्द आया है, तो यहाँ पे लिस्ट से मैं बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ए अकाउंट, दिस इज ए स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में आप ध्यान रखें कि एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और रियल एसेट्स सारे लिए जाएंगे, लॉसेस सारे लिए जाएंगे, और इसमें एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी। और ध्यान रखें कि जो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है बेटा, ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में आप कभी भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को 1 अक्टूबर को बनाना है, तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 30 सितंबर तक का वो अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा। अगर किसी को मान लीजिए नवंबर में बनाना है, मान लीजिए दिसंबर में बनाना है, तो वो स्टेटमेंट बना सकता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो कि ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अब आगे लिखा है लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी किसकी लिस्ट बना रहे हैं आप, कि डेबिट और क्रेडिट की लिस्ट बनेगी, किसके बेस पर बनेगी, बैलेंस। तो हम आगे सीखेंगे कि लेजर पोस्टिंग जब हम करते थे तो उसमें हम लोग अकाउंटिंग को क्लोज करते थे, यानी कि अकाउंट को जब क्लोज करते थे तो या तो डेबिट बैलेंस से करते थे या क्रेडिट, यानी कि जब क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में हम लोग उसका बैलेंस निकालेंगे, और जब डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो हम क्रेडिट में उसका बैलेंस निकालेंगे। उसी के बेस पे हमें बैलेंस शब्द आया है, ये मैं बात बताऊँगा प्रैक्टिकल में। टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, फ्रॉम द लेजर, यानी कि जब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे जनरल से तो हम उसकी लेजर बनाएंगे। तो लेजर में हम लोग क्या करेंगे, जनरल बनाने के बाद लेजर से हम उसके बैलेंसेस निकालेंगे सारे। बैलेंसेस निकालने के बाद इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंस ऑफ कैश बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक, यानी कि इसके अंदर जो बैलेंस निकलेंगे कैश के हो चाहे बैंक के हो, वो हम कैश बुक में लेके जाएंगे, और ये कैश और बैंक के बैलेंस हम रियल एसेट्स के तौर पर ट्रायल बैलेंस में भी लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए फीचर्स में ट्रायल बैलेंस के पहला आ रहा है स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट कभी भी आप बना सकते हैं 12 महीनों के बीच में, कभी भी आप रेडी कर सकते हैं। कोई ये लिस्ट बनानी है, कब हमको समरी बनानी है। उसके बाद है स्पेसिफिक डेट, कोई स्पेसिफिक डेट, जैसे मैंने बताया था कि अपना मान लीजिए 1 सितंबर को अपन बना रहे हैं, तो ये 1 सितंबर जो है ये स्पेसिफिक डेट है, इस डेट को स्टेटमेंट बनाया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी एक स्पेसिफिक डेट के बेसिस पर। नेक्स्ट है डेबिट और क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर डेबिट इक्वल्स टू बराबर दी क्रेडिट, यानी कि दोनों के बैलेंस इक्वल आने चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस की लिस्ट में यानी कि स्टेटमेंट बनाते समय अगर आपका कोई भी टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले जो अकाउंट आपने बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं अर्थमेटिक एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आई है,
चाहे वो प्लस माइनस में करने में आ गई हो, चाहे वो कोई सी भी एरर आ गई हो, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेबिट किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के। अर्थमेटिक एक्यूरेसी में सबसे पहले आता है प्लस और माइनस, यानी कि किसी कैलकुलेशन को आपने जो पहले अकाउंट बनाए उसमें कहीं प्लस और माइनस में गड़बड़ तो नहीं कर दी, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कोई कंपनसेशन एरर तो नहीं आ गई, कोई प्रिंसिपल एरर तो नहीं आ गई है, कोई ओमिशन तो नहीं हो गया, कोई आपका पोस्टिंग करते समय गलती तो नहीं हो गई है, कोई रॉन्ग साइड में एंट्री तो नहीं कर दी है। उन सब का इफेक्ट जनरल से लेजर में पड़ता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पड़ता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखेंगे जनरल बिल्कुल राइट बनाए, क्योंकि बाद में फिर एरर आने के बाद चेकआउट करना बहुत टिपिकल गेम है। इसलिए ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो हमें उससे अकाउंट बनाने में, फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जनरल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद हम लोग इसका रेक्टिफाइड करते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें पहली फीचर आ रही है, इट इंक्लूड द बैलेंस, इट इंक्लूडेड द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक, यानी कि इसमें किस किस बैलेंस को शामिल करेंगे जो हम लेजर बना रहे हैं, जिसकी भी लेजर बना रहे हैं, चाहे वो राम की हो, श्याम की हो, बिल्डिंग की हो, प्लांट की हो, सैलरी की हो, जिसकी भी लेजर है उसका अकाउंट हमने वहाँ पर बनाया होगा। उसमें हम कैश बुक का भी अकाउंट बनाते हैं लेजर में, तो लेजर में ध्यान रखें कैश बुक का बैलेंस भी हमें निकालना होता है, और वो बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इट इज वर्किंग पेपर, इट इज वर्किंग पेपर एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग में हम लोग रूल जानते थे कि बुक कीपिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग रिकॉर्ड करते थे। ट्रायल बैलेंस में हमें ध्यान रखना है कि डबल साइड बनानी है, डेबिट और क्रेडिट, नहीं कि एंट्री जब पोस्ट करेंगे या तो हम डेबिट में करेंगे या हम क्रेडिट में करेंगे। ये ध्यान रखना कि दोनों तरफ अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी, या तो डेबिट में अमाउंट आएगा या फिर क्रेडिट में। नेक्स्ट है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेजर, ये पार्ट किसका नहीं है, लेजर का, लेजर अकाउंट का। इट इज स्टेटमेंट, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो लेजर के बेसिस पर बना रहे हैं, लेजर नहीं बना रहे हैं, लेजर के बेस पर बना रहे हैं हम इसका स्टेटमेंट। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी कन्वीनियंट डेट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ये कन्वीनियंट जो डेट है उसका मतलब यही है कि 12 महीनों के बीच में कभी भी आप अपना एक कन्वीनियंट तरीके से अपने एक अकाउंटिंग का स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस का बना सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड टू द टेस्ट, यानी कि ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने का एक टेस्ट है, जिससे 50-60% तक एक्यूरेसी मालूम पड़ जाती है, 100% तक की एक्यूरेसी हमें ट्रायल बैलेंस नहीं बताता है, क्योंकि इसमें जो दो मेथड हैं उसके बारे में हम जब आगे चर्चा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके मीनिंग और इसके फीचर्स में क्या डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इसका एक मीनिंग बताया कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें जब पोस्ट करेंगे एंट्री तो सिर्फ या तो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे या फिर क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। ये हमारे स्पेसिफिक डेट में बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट होता है, और ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी पे काम करता है। इसके बेसिस पर हम लोग जनरल, जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव समझें, उससे पहले हम ज़रा मीनिंग और फीचर के अंदर जो शब्द आए थे उनको अगर ऐड करें तो एक समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से बैलेंस की बात हो रही थी, किस तरह से डबल एंट्री कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, किस तरह से अकाउंटिंग या पोस्टिंग की बात हो रही थी, और किस तरह से स्पेसिफिक डेट की बात हो रही थी, किस तरह से बैलेंस निकाले जाएंगे, वो सब सिस्टम में एक क्वेश्चन समझते हैं। ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जनरल का होना जरूरी है। जैसे मैंने एक जनरल बनाई है कि मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं क्या लिखूंगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मान लीजिए मैंने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कोई कैश बढ़ रहा, जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है डेबिट होती है, और टू कैपिटल, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये से एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री बनी है गुड्स परचेज की, दूसरी एंट्री इसकी बनेगी गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज की एंट्री क्या बनती है, कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, गुड्स आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स बढ़ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरीके से गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या बनती है, कैश आ रहा है, कैश कम से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, कैश में 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, गुड्स से 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। फिर आ रहा है परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, तो आपको पता है कि क्या आ रहा है, एसेट्स बढ़ रही हैं, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश 2,000 रुपये से। फिर आ रहा है लास्ट में सैलरी पेड, देखिए सैलरी एक नॉमिनल एक्सपेंस है, इसलिए कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब इसी के अगर मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा तो सबसे पहले मैं अकाउंट खोलूंगा कैश का, उसके बाद मैं सेकंड अकाउंट खोलूंगा कैपिटल का, थर्ड अकाउंट परचेज का, फोर्थ देखो कैश कैश कॉमन है तो नहीं खोलूंगा, सेल्स अनकॉमन अकाउंट का सेल्स का, फिर फर्नीचर का अकाउंट खोल दूंगा, फिर सैलरी का। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला अकाउंट कैश रिपीट कर रहा था, मैंने दोबारा नहीं खोला, सेकंड अकाउंट कैपिटल का हो गया, थर्ड अकाउंट परचेज का हो गया, फोर्थ अकाउंट मेरा सेल्स का हो गया, फिफ्थ फर्नीचर का है और छह सैलरी का है। अब इसकी लेजर पुष्टि कैसे करेंगे, देखो कैश सबके खाते खुल गए, ये कैपिटल का अकाउंट जो लिखा है ना ये आप यहाँ पे लिखोगे, ये कैपिटल अकाउंट ये रहा, ठीक है। तो पहले कैश में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल 10,000 रुपये से, कैश में टू कैपिटल देंगे पोस्टिंग, टू का मतलब क्रेडिट है, और कैपिटल अकाउंट जब खोलेंगे तो क्या लिख देंगे, बाय कैश, तो कैश में टू कैपिटल और कैपिटल में बाय कैश, एक तरफ डेबिट जा रहा है एक तरफ आ रहा है, तो गोज आउट इन कम से। फिर परचेज टू कैश, परचेज में क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है, कैश कम से एंड गोज आउट बाय परचेज, ठीक है ना। कैश क्रेडिट से जाएगा डेबिट से आएगा, ध्यान रखना। कैश में लिखो, कैश में टू सेल आ रहा है, कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये ध्यान रखना। और सेल्स में क्या लिखेंगे, बाय कैश, कैश आ रहा है, ठीक है ना, कैश आ रहा है, सॉरी। हम नेक्स्ट है फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर में क्या लिखेंगे, टू कैश, और कैश में क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, और कैश में लिखेंगे बाय सैलरी। तो ये कहलाती है जो मैंने अभी किया, इसी को हम बोलेंगे लेजर पोस्टिंग। क्या बोलेंगे बेटा, लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग में हमारे पास बैलेंस निकालने होते हैं। अब दो बैलेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, डेबिट साइड में दो ट्रांजेक्शन है तो टोटल कितना हुआ, 11,000 और जब क्रेडिट में हमने तीनों को जोड़ा तो आया 4,200। अब 11,000 में से 4,200 जाएंगे तो बचेगा मेरा 6,800। ये जो बैलेंस निकला है क्रेडिट में निकला है, तो गौर से देना क्रेडिट में, लेकिन मुझे बताओ क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है डेबिट का, डेबिट का ज्यादा है, देखो 11,000 पे डेबिट का ज्यादा है। तो ये बैलेंस यहाँ तो क्लोजिंग है, लेकिन जब मैं ट्रायल बैलेंस करूंगा उस समय ये 6,800 रुपीज मैं डेबिट में शो करूंगा, क्रेडिट में नहीं, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस कम है और डेबिट का ज्यादा है, तो डेबिट मोर देन क्रेडिट साइड, जो भी डिफरेंस आएगा विच वाज शोन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ऐसे कैपिटल में देखो 10,000 यहाँ पर सिंगल एंट्री हुई है, तो ये क्लोजिंग हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कैपिटल का बैलेंस 10,000 से बढ़ा हुआ है। परचेज में डेबिट में 2,000 रुपये यहाँ पर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो यहाँ पर सीडी बैलेंस तो निकल गया, क्लोजिंग खाते तो बंद हो गए, खाते बंद हो गए, लेकिन बैलेंस डेबिट का ज़्यादा बोल रहा है। सेल्स में 1,000 रुपये की एंट्री है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो यही बैलेंस क्लोजिंग हो जाएगा। फर्नीचर में हमारे पास 2,000 रुपये का है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, तो यही बैलेंस निकल जाएगा। सैलरी में 200 रुपये का, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, 200 रुपये। तो गौर से देखते ना, सब ये क्लोजिंग जो हो रही है ये हो तो रही है कहाँ पर, ये क्लोजिंग का और ये डेबिट में, लेकिन बैलेंस इसका ज्यादा है क्रेडिट का, तो ये एंट्री हमें देखनी है। अब इसी की हम लेजर पोस्टिंग करके दिखाते हैं। देखो गौर से, जो खाते खुले थे 6, वो के 6 के खाते 6 हो गए। कैश का बैलेंस कहाँ ज्यादा था, डेबिट साइड का, देखो 11,000, तो उसका बैलेंस कितना दिया मैंने डेबिट में, 6,800 रुपीज। कैपिटल का बैलेंस कहाँ ज्यादा है, क्रेडिट का, तो मैंने कहाँ लिखा है, क्रेडिट में 10,000 रुपीज। परचेज का बैलेंस कहाँ ज्यादा था, डेबिट का, तो डेबिट में कितने लिखे, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज। सेल्स का बैलेंस कहाँ ज्यादा है, क्रेडिट का, वो तो खाते बंद हो रहे बेटा, क्रेडिट का ज्यादा है, तो 1,000 रुपये मैंने कहाँ लिखा, क्रेडिट में। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का बैलेंस कहाँ ज्यादा है, डेबिट का, क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, ये तो क्लोजिंग कर रहा हूँ खाते, बेटा बैलेंस कहाँ का है, बैलेंस कहाँ का बोल रहा है, डेबिट का बोल रहा है, तो डेबिट में लिख देंगे 2,000 रुपये। और सैलरी का कितना है, 200 रुपीज, तो 200 किसके ज्यादा हो रहे हैं, डेबिट साइड के, तो डेबिट में लिख देंगे। अब हम इनका टोटल करेंगे तो 10 और 1 कितने हो गए, 11, हमारे पास 6 और 2 कितने होते, 8, 8 और 2 10, और 8 और 2 1,000, तो टोटल कितना हो गया, 11,000। तो ये हमारा इक्वल आ गया, यानी कि यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में कोई भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं दिख रही है। इसका मतलब जब अर्थमेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस में कोई गड़बड़ी नहीं है, बैलेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, अकाउंटिंग करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसका मतलब हमने जनरल बिल्कुल राइट बनाई है और लेजर पोस्टिंग बिल्कुल राइट की है। यही इस चीज़ का एविडेंस है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बना है। इसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट, और यही हमारा स्टेटमेंट जहाँ पे एजोन आ रहा है। एजोन का मतलब होता है स्टेटमेंट, एक स्पेसिफिक डेट दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए 1 अगस्त या 1 सितंबर, एज यू विश आप अपना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को इसलिए करवाया जिससे आपको जब मैं सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरिट्स डिमेरिट्स उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊँ तो आपको इजिली समझ में आ जाए
कि ट्रायल बैलेंस में किस तरह से मीनिंग और फीचर को कलेक्ट करते हुए हमने एक समरी दिखाई जिसमें जनरल एंट्रीज की गई, जनरल से पोस्टिंग की गई, पोस्टिंग से बैलेंस निकाले गए, बैलेंस में भी हमने ये देखा कि जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस में वही बैलेंस वहीं शो होंगे जहाँ के ज़्यादा है। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे कैश का बैलेंस डेबिट का ज़्यादा था तो डेबिट में लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप चल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग और ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स और फॉर्मेट के बारे में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।